रात की तकरीबन 11 बज रहे थे। चारों तरफ घना जंगल। ऐसे में रोहित लंबी सोच में डूबा हुआ उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। 2 महीने पहले उसकी नौकरी छूटी थी और उसके अगले दिन ही उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। इस जंगल के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर घूमते हैं। काश कोई जानवर मुझे भी मार डाले तो इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। वो बड़बड़ाता हुआ वहां से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक लड़की लाल लहंगा चुनरी पहने हुए गुजर रही है। लगता है ये भी यहां मरने के इरादे से आई है। हे, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? उसकी बात सुनकर उस लड़की ने पलट कर देखा। स्वरागिनी। उसकी पहली नजर से ही रोहित के दिल पर मानो हजारों छुरियां एक साथ चल पड़ी। ऊपर से उसका गोरा बदन उसे और ज्यादा आकर्षित बना रहा था। वो मदबोश सा उसका पीछा करने लगा। वो लड़की एक हवेली के अंदर चली गई और रोहित भी बेझिझक उसका पीछा करता रहा। आखिरकार वो एक कमरे में जाकर रुकी। उसने पलट कर देखा तो रोहित उसके सामने खड़ा था। स्वरागिनी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देख रही थी। रोहित 2 महीनों से अपनी पत्नी से दूर था। ऐसे में वो अपने सामने उस खूबसूरत लड़की को देखकर काबू नहीं कर पाया। उसने स्वरागिनी को गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे के आगोश में चले गए। रात की तकरीबन 4 बजे रोहित की आंख खुली। उसके बराबर में ही स्वरागिनी लेटी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माफ करना, वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम इतनी परेशानी से गुजर रहे हो, नौकरी छूटी और उसके बाद बीवी ने भी साथ छोड़ दिया। ये सुनकर रोहित हैरान रह गया और बोला, तुम्हें कैसे पता? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आपकी बीवी की कमी तो मैंने पूरी कर दी, अब आपकी बीवी की ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। बाकी ख्वाहिशें? तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरे साथ आइए। वो रोहित को उस कमरे से निकालकर एक बंद दरवाजे के सामने ले गई। इस बंद दरवाजे के पीछे कौन है ये जानने की कभी कोशिश नहीं करना। बस जो भी तुम चाहते हो उसे मांग लो, वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। अच्छा मजाक है। अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख सकते हो। क्या इस दरवाजे के पीछे कोई है? हाँ, कहो रोहित, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी नौकरी उस नए मैनेजर नरेश की वजह से गई है। मैं चाहता हूँ कि वो साला कुत्ते की मौत मरे और मेरी नौकरी मुझे वापस मिल जाए। ठीक है, कल रात तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा मजाक है। चलो अब मैं चलता हूँ अपनी नई नौकरी की तलाश में धक्के खाने के लिए। रोहित अपने चेहरे पर झुंझुलाहट लिए हुए वहां से निकल गया। पूरे दिन यहां से वहां नौकरी के लिए भटकता रहा, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी नहीं थी। रात के 8 बज चुके थे। नरेश इस टाइम ऑफिस से घर लौट रहा था। बारिश काफी तेज हो रही थी। ऐसे में उसे दिखाई दिया कि एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी भीग रही है। उसने उसके सामने कार रोक दी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वरागिनी ही थी। नरेश ने ऊपर से नीचे तक उसके भीगे बदन को देखा और फिर, आप जल्दी से कार में बैठिए, बारिश बहुत तेज हो रही है, आपको जहां भी जाना है मैं छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनते ही स्वरागिनी झट से कार में बैठ गई और नरेश ने ड्राइव करना स्टार्ट किया। अभी वो कुछ देर चला ही था कि नरेश ने एक फार्म हाउस के सामने कार रोकी और कहा, ये मेरा फार्म हाउस है, आप चाहें तो आज की रात मेरे साथ यहीं रुक सकती है, सुबह मैं आपको घर छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर स्वरागिनी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। नरेश भी ये देख बहुत खुश हुआ। स्वरागिनी एकदम से अपना चेहरा नरेश के करीब ले गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल लाल चमकने लगी। उसका शरीर नीला पड़ गया और दांत भेड़िए की तरह खूंखार हो गए। स्वरागिनी ने उसकी गर्दन पर दांत कड़ाए और इस तरह से चबा डाली जैसे कोई भूखी शेरनी किसी बकरी की गर्दन चबा रही है। फिर अगले ही पल नरेश की लाश 2 टुकड़ों में विंडस्क्रीन को तोड़कर बाहर सड़क पर जा गिरी। शरीर एक तरफ पड़ा था और गर्दन काफी दूर।
इसके एक घंटे बाद ही रोहित के पास पुराने मैनेजर का कॉल आया। रोहित, नरेश का एक्सीडेंट हो गया है और मालिक ने मुझे फिर से जॉब पर रख लिया है। कल से तुम्हारी जॉब भी वापस तुम्हें मिलने वाली है। ऑफिस टाइम से आ जाना। हाँ, थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसी टाइम भागा भागा हवेली पहुंचा। स्वरागिनी अभी भी बंद दरवाजे पर खड़ी थी। उसी प्यारी मुस्कान के साथ वो कसकर उसके गले लग गया। यकीन नहीं होता कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने कहा था ना, ये मजाक नहीं है। स्वरागिनी, मुझे प्लीज बताओ कि इस बंद दरवाजे का राज क्या है और इसके पीछे कौन है जिसने एक ही दिन में मेरी जिंदगी बदल दी। अगर तुमको जानना है तो पहले तुमको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। इस दरवाजे के पीछे मेरी बहन मोहिनी है। बदकिस्मती से हम दोनों बहनें डायन हैं। ये सुनकर रोहित की आंखें हैरानी से फट पड़ी। स्वरागिनी ने बोलना जारी रखा। मुझे एक डायन होकर भी इंसानों को मारना पसंद नहीं था, लेकिन मोहिनी अपनी भूख प्यास पर काबू नहीं रख पाती थी, इसीलिए यहाँ पर बसे हुए गांव के मर्दों को उसने अपना शिकार बना लिया। गांव के लोगों ने एक पहुंचे हुए अघोरी को बुलाया और उस अघोरी ने मोहिनी को इस बंद दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए कैद कर दिया। इसको श्राप भी दे दिया कि ये इस कमरे में रहकर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, सिर्फ मर्दों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या वो हमेशा इस कमरे के अंदर ही कैद रहेगी? अगर कोई मर्द इस दरवाजे को खोल अंदर जाकर ये ख्वाहिश करे कि वो मोहिनी को कमरे से आजाद करना चाहता है, तभी वो बाहर आ सकती है। मेरी जिंदगी फिर से सुधर चुकी है और ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बहन मोहिनी की वजह से हुआ है, इसीलिए मैं उसे आजाद करूंगा। इस बंद दरवाजे को मैं खोलूंगा। रोहित ने उस दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा और चर्र की आवाज करते हुए दरवाजा खोला। अंदर कमरे में काफी अंधेरा था। एक टीले पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मोहिनी बैठी हुई थी। रोहित कमरे के अंदर चला गया। मोहिनी, तुम्हारे इस कमरे से आजाद होने का समय हो गया है। जब तक तुम ख्वाहिश नहीं करोगे तब तक मैं तो ना इस टीले से उठ सकती हूँ ना ही इस कमरे से बाहर जा सकती हूँ। ये सुनकर रोहित थोड़ा ऊंची आवाज में बोला। मैं रोहित तुमसे अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस टीले से उठो और इस कमरे से बाहर निकलो और हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो जाओ। उसके इतना कहते ही मोहिनी उठ खड़ी। स्वरागिनी अभी भी बाहर खड़ी थी। मोहिनी कमरे से निकलकर स्वरागिनी के गले लगी। रोहित उन दोनों बहनों को गले लगता दे बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने भी बाहर आने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर पैर निकाला उसे एक तेज झटका सा लगा और वो पीछे जा गिरा। ये क्या हो रहा है? मैं कमरे से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? उसकी बात सुनकर दोनों बहनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। रोहित उन दोनों को हैरानी से देखने लगा। माफ करना रोहित, मैंने तुम्हें जो भी बताया उसमें थोड़ा सा झूठ था। नरेश को मारकर तुम्हारी ख्वाहिश मैंने ही पूरी की थी, लेकिन तुमको ये दिखाया कि वो मोहिनी ने पूरी की है, जिससे कि तुम्हें मोहिनी को मिलने की इच्छा हो और तुम उसको इस बंद दरवाजे से बाहर आने की ख्वाहिश करो। लेकिन अब मैं इस कमरे से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? मोहिनी को श्राप था कि वो इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल सकती। अगर कोई मर्द अपनी मर्जी से इस दरवाजे को खोले और अपनी ही मर्जी से मोहिनी को बाहर भेजने की ख्वाहिश करे, तभी मोहिनी इस कमरे से बाहर आ सकती है, लेकिन फिर वो मर्द उसकी जगह बंद दरवाजे में कैद हो जाएगा। अब तुम मेरी जगह इस बंद दरवाजे में कैद रहोगे, कभी बाहर नहीं आ सकते। मैं तो एक डायन थी, इसीलिए इतने सालों तक जिंदा रही, लेकिन तुम नहीं रह पाओगे। ये सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया।